आज की इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करेंगे हम। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे क्या है, सिद्ध कीजिए कि अनुरूप 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और कभी कभी पूछ लेता है कि पाई परिमेय है, तो पाई भी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। और पाई का मान होता है 22/7। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये परिमेय संख्या है। अब ये मत समझ लेना कि पाई का मान 22/7 होता है सर तो ये वाला तो परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, ऐसा नहीं है। ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये वाली परिमेय संख्या नहीं है। चलिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे पी बट्टे क्यू के रूप में मान लेते हैं कुछ समय के लिए, जहां क्यू बराबर 0 नहीं है और न ही पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब इसमें हम एक बट्टे में मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं आप, इस संख्या का वर्ग करेंगे तो अनुरूप 5 का वर्ग होता है 5, तो हमने 5 लिख दिया। क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर को हम इस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात पी स्क्वायर में एक गुणनखंड 5 है, अर्थात 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं एक प्रमेय है 1.3, उससे कह सकते हैं कि 5 पी को भी विभाजित करेगा। ये समझ में आया गया तुम्हारे, ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। देखिए समझिए, यहाँ जो देगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये पी का मान हो गया एक तरह से, अर्थात पी स्क्वायर को दो जगह तोड़ सकते हैं 5 और क्यू स्क्वायर, इसका मतलब पी स्क्वायर में 5 का भाग चला जाएगा। अब पी स्क्वायर में जा रहा है 5 का भाग तो पी में भी जाएगा इस प्रमेय के अनुसार। तो अब हमने जब 5 इसमें है तो हमने पी का मान एक मान लिया 5 ए, ए जहां कोई एक पूर्णांक है। अब इस मान को उठा करके आप पी का इस जगह पर लगाएंगे, सॉरी ये इस जगह पर लगाएंगे, ए इस वाले को इस जगह पर स्क्वायर बनाया हमने यहाँ पे समीकरण एक में रखने पर, देखिए 5 की स्क्वायर तो यूँ कहते हो ये वाला, अब पी की जगह पे 5 ए रख दिया, ऊपर से स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, बस 5 का वर्ग 25 होता है, ए स्क्वायर यूँ कहते हो। अब 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार, तो 5 ए स्क्वायर बन गया ये। अब देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि जिस प्रकार से यहाँ हमने जो समझाया था आपको कि क्यू स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें एक 5 अभाज्य गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं 5 का भाग क्यू स्क्वायर में चला जाएगा। इसी प्रमेय के अनुसार जो 1.3 है उससे हम कह सकते हैं कि 5 का भाग जब क्यू स्क्वायर में जा रहा है तो क्यू में भी चला जाएगा, यानी कि 5 एक ऐसा गुणनखंड है जिसका भाग पी और क्यू में जा रहा है। जब P और Q दोनों में जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि P और Q में कम से कम एक गुणनखंड ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, जो कि 5 है। जबकि प्रारंभ में हमने कल्पना की थी P व Q इस प्रकार लिए गए हैं कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी जो सॉल्यूशन में निकला है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये हमारी कल्पना के का विरोध करता है, विरोध कर रहा है। इसका मतलब हमने जो है गलत मान लिया कि अनुरूप 5 परिमेय संख्या है, कि ये परिमेय संख्या ना होकर के ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए अब आपको एक इसी प्रश्नावली का एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी देख लीजिए। इसमें प्रश्न में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए कुछ समय के लिए कि ये एक परिमेय संख्या है,
वैसे तो पूछ रहा है वो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना हमें, लेकिन हमने कुछ समय के लिए मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसे हमने a अपॉन b के बराबर मान लिया यहाँ पर, ठीक। अब इसे इस तरह से सरल करेंगे कि केवल अनुरूढ़ 5 एक साइड में रह जाए, बार वाली संख्या दूसरी तरफ पहुंच जाए ऐसे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हल, कि सबसे पहले 3 प्लस में है, अब ये इधर लाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा ये। तो देखो हमने इसे यहाँ लाए तो ये माइनस 3 हो गया। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके भाग होगा, तो भाग होगा तो इसमें भी भाग होगा और इसमें भी भाग होगा। तो देखिए ये जो है 2 यहाँ भी भाग हो गया और इसमें भी नीचे आ गया, है ना। अब देखिए ये जो संख्या है 1 आपकी परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि ये जो है a b 2 3 a कॉमा b कॉमा 2 कॉमा 3 ये सभी पूर्णांक माने थे हमने, क्या माने थे, पूर्णांक, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि पूर्णांकों के द्वारा जो संख्या बनेगी आपकी हमेशा परिमेय संख्या ही बनेगी, ठीक है। और इससे आप बता सकते हैं क्या, 5 √5 को हम ये संख्या लिख सकते हैं जो कि एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या हुई। देखिए अतः 5 ही परिमेय संख्या होगी, लेकिन सत्यता यह है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमारी कल्पना का विरोध करता है, यानी इसका जो है विरोध करता जो है ये। तो हम कह सकते हैं कि गलती से हमने जो इसे परिमेय मान लिया वो परिमेय नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या है ये। थोड़ा सा दोबारा से पुनः आपको मैं बता दूं कि ये जो संख्या हमारी सॉल्व हो गया ये वाली, ये आपकी परिमेय संख्या है, अर्थात ये 5 के बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन रियलिटी देखी जाए 5 परिमेय संख्या नहीं होती है, ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कोई भी पूर्णांक हो, जैसे 3 है, 4 है, ये भी सब आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके नीचे 1 मान लेंगे तो ये अपरिमेय संख्या बन जाती हैं, ठीक है। केवल अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं जैसे आपकी पाई है, या कोई ऐसी संख्या है जो कि आपको आप उसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन कौन से प्रश्न है, देखो हम इसमें देखो 3 प्रश्न दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रश्नावली में केवल 3 ही प्रश्न हैं, 2 प्रश्न मैंने सॉल्व कर लिए, 30 प्रश्नों को आप घर से करेंगे और मुझे ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न हैं, जो कि मैंने आपको 2 प्रश्न ये वाले हल करा दिए हैं और तीसरा आपको मैंने होमवर्क में दिया है, ठीक है। इसे करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए और कोई समस्या हो तो मुझे ग्रुप में बताइए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो थोड़ा इसे लाइक और शेयर अपने आपके जो मित्र हों जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हों उन तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।